Hi everyone, a very warm welcome to all of you. This is Chris here and you are watching Target Board. So my dear students, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं दो टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है कि यहाँ पे जो टेंस का मैंने आपका लेवल उठाया है वो क्लास टेंथ का है। पहले आप लोग क्लास टेंथ का एग्जाम दे के आइए, जितना मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं और आज तक पूछा भी नहीं है। सो जो भी हम आपको बता रहे हैं सारे चीज़ को कवर करते जाइए। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था कि सर सेकेंड बुक जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश उनको भी पढ़ा दीजिए। टेंशन मत लीजिए, 7 दिन का वो क्लास होगा, 7 दिन में वो बुक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें मात्र 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर है जनवरी नाइट्स, जिसके लेखक है प्रेमचंद, तो उनको भी मैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा जैसा कि ऑल चैप्टर मैंने पढ़ाया है। और आप लोग इतना ज़्यादा रिस्पांस लिए वीडियो पे, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा रिस्पांस लिए। और आई थिंक मुझे लगता है कि इतना जल्दी YouTube पे आप ही लोग के वजह से जो है फेमस कर दिया, आप लोग फेमस किए, ठीक, और इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो टेंस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टेंस जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशन नहीं सीखने वाले, ओके। और हाँ, यदि आप लोग को ये लगता है कि ट्रांसलेशन सीखना है तो लास्ट तक बने रहेगा, वो भी चीज़ मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं सिर्फ मैं उनको बताऊंगा और वो तरीका बताऊंगा, वो अप्रोच मैं बताऊंगा जिस अप्रोच के माध्यम से आप सारे क्वेश्चन करके आइएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है, ओके। यहाँ पे दो टेंस है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को, उसके बाद देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। देखिए दोनों के नाम में क्या है, कॉमन वर्ड आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा कॉमन एक वर्ड आ रहा है। यहाँ पे परफेक्ट एक वर्ड है ऐसा जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स ये हो गए और वैसे ये तो सब में कॉमन आएंगे ही, ठीक। तो दो वर्ड यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों की यूजेज में भी कुछ ना कुछ तो जरूर क्या होगा, कॉमन होगा, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसे यदि हम ट्रांसलेशन के व्यू से पढ़ाते हैं तो फिर इसका कुछ और डिफिनेशन होता, लेकिन बट यहाँ पे हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आप लोग को ग्रामर ही बनाना है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि ट्रांसलेशन में जो है स्टूडेंट कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, और आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे आप लोग सेंटअप एग्जाम दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि ऑलरेडी वो बना हुआ है और आपको क्या करना है, उसमें से सही सेंटेंस को चुनना है। तो सिर्फ क्या है, सही सेंटेंस को चुनना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर की बात करेंगे और जो आपका लेवल है हम उसी लेवल तक बताएंगे और उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर आप लोग को उसका यूज ही नहीं है। तो इसलिए उससे ज़्यादा जान के आप क्या करिएगा, और यदि आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो वो भी मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। आप लोग क्रिस सर लिख के YouTube पे सर्च कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप पहले मैट्रिक का एग्जाम दे कर आइए, बोर्ड एग्जाम, उसके बाद फिर आइएगा इस चैनल पे, उसके बाद हम हैं तो फिर क्या टेंशन है, आपका 11 12 दोनों क्या होगा, क्लियर होगा, ओके। चलिए और बाहर ये ना अभी 2 महीना कैसा बात करते हैं, और हम आपको गेस क्वेश्चन भी देंगे जो कि 100% लड़ेगा, ओके। चलिए अब हम लोग समझते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हम बात करें डिफिनेशन का, तो सिंपली समझिए कि वैसे तो कहता है हिंदी क्रिया के अंत में तो वो सबको गोली मारिए चुका था, चुकी थी, खत्म कीजिए, हटाइए वो सबको, वो सब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस जीनियस क्लासेस पे, वो हम ही लोग का चैनल है, ठीक। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिर्फ किसका, आपके एग्जाम के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे हम सिंपली ये समझिए कि परफेक्ट टेंस उसको कहते हैं कि एक एक्शन था जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे बोले सिंपली मतलब समझिए कि एक ऐसा एक्शन जो आप पास्ट में स्टार्ट किया था और क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे मेरे आने के पहले रोगी मर चुका था, मतलब कि रोगी मर चुका था, मतलब कि मरने का काम क्या हो गया, पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। मतलब सिंपली समझिए कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में क्या होता हो, कंप्लीट होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और इसमें कुछ याद यूजेज नहीं रखना है, मात्र सिंपली दिमाग में क्या रखना है, आपको स्ट्रक्चर रखना, क्या रखना है, स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहेगा, सारा बनेगा। और इसमें एक ही कंडीशन आते हैं, सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग वो कंडीशन देखेंगे, वो अप्रोच देखेंगे जिस पे आधारित क्या आते हैं, हमारे क्वेश्चन आते हैं, जिससे आधारित हमारे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव। यदि हम पॉजिटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाते हैं, हमारे हेड आ जाते हैं, और प्लस क्या, थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं,
सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ किसका यूज कीजिए, हैड का यूज कीजिए। निगेटिव में कुछ नहीं है, सिर्फ हैड रखिए और उसके बाद किसका नोट का इस्तेमाल कीजिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या कंप्लीमेंट। यस नो में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले किसको रखिए, हैड को रखिए प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। हम क्या बताएं, हम खुद नहीं चाह रहे हैं इतना कम पढ़ाना, लेकिन क्या कीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें चलना है। उसके बाद आप आइए ना क्रिस जीनियस क्लासेस में, फिर आपको पूरा कंप्लीट वहां पे ग्रामर आपको मिलेगा। ओके, पहले आप एग्जाम दे दीजिए उसके बाद, क्योंकि ये 10 का लेवल है तो 10 के लेवल तक ही हम रहेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस क्या थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। डब्ल्यू एच की यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा हमारा हेड आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा हेड के बाद क्या आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट, यदि नोट है तो नोट देंगे प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा कंप्लीमेंट। तो इस हिसाब से हम इसका क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर दिमाग में रख सकते हैं, और आपको स्ट्रक्चर ही रखना है और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं। आप पूछिए कि कैसे सर स्ट्रक्चर रखेंगे, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए सिंपली समझिए कि दो ही कंडीशन बनते हैं, हेड का कितने कंडीशन बनेंगे, मात्र दो कंडीशन बनेंगे हेड का, कितने कंडीशन, मात्र दो कंडीशन हेड का बनेगा। ठीक, यहाँ पे दो मतलब कंडीशन हमारे बनते हैं, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे दो कंडीशन पे आप लोग रहिएगा। सिंपली समझिए, एक तो हो गया हमारा क्या हैज, और एक तो क्या हो गया हमारा हैव, और एक क्या हो गया हमारा हैड। यदि ऑप्शन में सिंपली हैज हैव हैड आपको दिख जाए, क्या बोले हैं, हैज हैव हैड दिख जाए, तो इससे यदि आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखे होंगे तो आपको एक चीज दिमाग में आएगा कि इनके बाद हमेशा हम किसका यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का। याद रखिएगा, टेंस की यदि हम बात करें, टेंस की यदि हम बात करें तो हैज हैव हैड प्लस क्या थर्ड फॉर्म। अब दिमाग में ये मत लगा दीजिएगा सर आई हैव ए कॉ, ये मत कह दीजिएगा सर आई हैव ए कॉ, है ना, तो ये फिर एक अलग चीज हो गया, है ना, यहाँ पे ये अलग बात है। ये भी हमारे टेंस के ही रिलेटेड है, सिंपल प्रेजेंट से ये रिलेट करते हैं, बट यहाँ पे हम देखें तो आई डैश एक हो, तो यहाँ पे तो आप ऑलरेडी हैव का यूज कर सकते हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं, समझिए, पहले इनको लिख लीजिए तब आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग लिख लिए होंगे, अब हम समझाते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा जो हम समझाना चाहते हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं, देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि मात्र थर्ड फॉर्म का जो कंडीशन बनेगा, क्वेश्चन जो आपके पास आएगा, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक, उनको समझिए कि किस हिसाब से उनका कंडीशन बनेगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा ये डार्क डार्क आ गया होगा, ओके कोई बात नहीं, चलिए समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम बोले कि आई डैश प्लेड क्रिकेट, आई डैश प्लेड क्या क्रिकेट, और यहाँ पे हम ऑप्शन आपको दे दिए चार ऑप्शन, एक ऑप्शन हम दे दिए वाज, दूसरा ऑप्शन दे दिए हम एम, और तीसरा ऑप्शन हम दे दिए हैव, और चौथा ऑप्शन हम दे दिए हैज। समझिए गौर से, तो अब सिंपली आप जानते हैं कि जिस वर्ब के अंत में ईडी लगा रहता है या तो वो सेकेंड फॉर्म होगा या तो वो थर्ड फॉर्म होगा, बस यही दो कंडीशन बनता है, या तो सेकेंड फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जरा गौर से देखिए ईडी, तो ये क्या किसको डिनोट्स कर रहा है, थर्ड फॉर्म को डिनोट्स कर रहा है, तो इसका मतलब ये डिफिनिट है कि ये कौन सा टेंस होंगे, परफेक्ट टेंस होंगे। अब हमको क्या करना है कि परफेक्ट टेंस तो होंगे, अब पास्ट होते हैं या प्रेजेंट, यदि प्रेजेंट होगा तो हैज हैव का, और पास्ट होगा तो किसका हैड का होगा, तो हम देख रहे हैं कि वाज तो कभी होगा नहीं, दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि वाज तो कभी होगा नहीं, एम तो कभी होगा नहीं, क्योंकि वाज के बाद क्या आई एन जी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आई एन जी है ना, एम के भी बाद टेंस में आई एन जी आनी चाहिए, है नहीं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हाँ अब ये चांस बन रहा है किसका, हैव का चांस बन रहा है, क्योंकि अब हैड तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे हम किसका यूज कर देंगे, हैव का। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे कंडीशन आ गया, सपोज ऐसा ना हो, ये ऑप्शन ना रहता, इसको हम मिटा दिए, क्या ये ऑप्शन ना रह के बस सेंटेंस ऐसे रहता और ऑप्शन ये दिया हुआ रहता, समझिए ऑप्शन ए में दिया रहता, समझते जाइएगा, ऑप्शन ए में दिया रहता इज, बी में दिया रहता आर, और सी में दिया रहता हैड, और डी में दिया रहता एम। अब देखिए कंडीशन क्या हो गया, वही सेंटेंस में एक जगह पे क्या लग रहा था, हैज हैव लग रहा था, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हैज हैव तो कहीं है ही नहीं, इज तो कभी होगा नहीं, आर तो कभी होगा नहीं, तो होगा क्या हैड होगा, तो एम तो कभी होगा नहीं, ठीक, तो यहाँ पे फिर क्या लग जाएगा हमारा हैड लग जाएगा। तो मतलब सेंटेंस वही है, कंडीशन अलग अलग बन रहा है। अब देखिए एक सेंटेंस और हम यहाँ पे रख रहे हैं,
अब कहिएगा एक सेंटेंस हम यहाँ पर रख रहे हैं आई डैश ए क, आई डैश ए क, और ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, ऑप्शन दे दिया ए में, गौर से समझिएगा, ऑप्शन ए में दे दिया क्या, इज दे दिया, ऑप्शन बी में दे दिया एम, उसके बाद ऑप्शन सी में दे दिया सेल, और डी में दे दिया हैड, गौर से समझिए ठीक। अब देखिए कि यदि हम जचाएंगे तो पहले तो एक चीज़ यहीं पे गलत हो गया कि इसके साथ कभी इज तो आता नहीं, आई के साथ, आई के साथ क्या आता है एम, तो आई एम ए क, मैं एक गाय हूँ, अच्छा लग रहा है सुनने में, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम लगाते हैं सेल, आई सेल ए क, मैं एक गाय बन जाऊंगा, ये भी नहीं जच रहा है। अब यहाँ पे एक ही चीज़ जच रहा है, वो क्या जच रहा है, हैड जच रहा है, आई हैड ए क, मेरे पास एक गाय था, क्या था, था। अब सपोज यहाँ पे हैड ना रखे, यहाँ पे क्या रहता, हैव रहता, हैड ना रखे क्या रहता, हैव रहता, तो तब पर भी हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, हैव का। आई होप कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, आप समझ में आ गया होगा आपको अब सारा चीज़, समझ में आया, नया आया तो नीचे कमेंट कीजिए, क्या दिक्कत है, हैं नीचे कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए यदि कोई डाउट है तो। और आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यू आर अ गुड स्टूडेंट बिकॉज यू आर टीचिंग ऑफलाइन, बिकॉज इसलिए सॉरी यू आर रीडिंग ऑफलाइन, इसलिए बोल रहे हैं कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं आपको उसी मूड में पढ़ा रहा हूँ, उसी मेथड से पढ़ा रहा हूँ जिस मेथड से मैं अपने ऑफलाइन में जितने भी बच्चे हैं सबको पढ़ाता हूँ, और आप भी हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि यदि दिल में चाहत ना होती तो आप इस वीडियो को देखते नहीं, ओके समझ रहे हैं ना, और आप हमें भुलाना भी चाहिएगा तो नहीं भुला पाइएगा, है ना, आपको बोलवे न किए थे, एक गाना है तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, चलिए अब गाना नहीं सुना ठीक, अब आगे समझिए। ये तो कंडीशन एक हो गया, किसके बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे, किसके बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे हम इस तरह से क्या करेंगे, जान लेंगे ठीक। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा, एक और कंडीशन इसमें आ जाता है जो कि आपको सबसे ज़्यादा क्या करेगा, कन्फ्यूज करेगा वो चीज़ ठीक, क्या कन्फ्यूज करेगा समझिएगा, आप लोग तो इतना, हमको लगता है कि एक दो साल में आप लोग जो है ना स्टार बना दीजिएगा, हमको क्या बना दीजिएगा, स्टार, है ना। चलिए ये जो है थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, थोड़ा बोर्ड से रिलेटेड कि ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं, अच्छा हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द जो है डिजिटल बोर्ड ले लें। प्रिंस सर पे जो है ना आप बहुत ज़्यादा क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर डिजिटल बोर्ड लगवाइए, टारगेट बोर्ड इतना आगे बढ़ गया है, डिजिटल बोर्ड लगवाइए, डिजिटल बोर्ड लग जाएगा तो क्या मज़ा आएगा पढ़ाने में। चलिए समझिए, देखिए अब कंडीशन क्या आता है, यहाँ पे दो कंडीशन आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कंडीशन के तरह के क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं दो तरह, एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा इसी में एक और इंक्लूड हम कर दें तो सिंपल पास्ट, इसी में हमारे क्या आ जाएंगे, सिंपल पास्ट, दो तरह से हमारे क्या आते हैं, कवर होते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे हम बोले एक सेंटेंस लिखे द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई कैम। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे आने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। वैसे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा डिप्थ में जाके तो वो भी चीज़ मैं बताऊंगा कि इनको हम पहले लिखते हैं इनको बाद में, तो सिंपली समझ लीजिए थोड़ा सा दिमाग में, जो एक्शन पहले होते हैं, जो एक्शन क्या होते हैं पहले होते हैं उसके आधार पे हम उसको क्या करते हैं, पहले सेंटेंस को लिखते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई कैम, मेरे आने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो मेरे आने के पहले को क्या हुआ था, मतलब कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो गाड़ी क्या हो चुकी थी, खुल चुकी थी। दो काम हो रहा है, एक तो मेरा आने का और दूसरा गाड़ी का खुलने का, तो आने का काम जो हुआ वो बाद में हुआ, बेसिकली हम घर से निकले लेकिन जिस काम के लिए निकले उस काम को हम पूरा किए नहीं, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि जो आने का काम जो मेरा था तो मेरे आने के पहले ही क्या निकल चुकी थी, मेरे आने के पहले ही गाड़ी क्या खुल चुकी थी ठीक, मेरे आने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो मेरे आने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए कि पहला एक्शन क्या हुआ, गाड़ी का खुलना, तो इसलिए हम क्या किए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मतलब मेरे आने के पहले है ना हैड स्टार्टेड, गाड़ी क्या हो चुकी थी, खुल चुकी थी। तो यहाँ पे दो कंडीशन बना, क्या कंडीशन बना, जो पहले एक्शन होगा, समझिए
जो एक्शन क्या होगा पहले होगा उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, समझिएगा। जो एक्शन क्या होगा पहले होगा उसे हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो एक्शन बाद में होगा, जो एक्शन क्या होगा बाद में होगा, जो एक्शन हमारा क्या होगा बाद में होगा उसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में। किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। और ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट, और आप लोग को हम बताए हैं पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, आप लोग को पहले से पता होगा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या कंप्लीमेंट, इसी का फिर नेगेटिव होते हैं, जाके आप लोग पास्ट वाले वीडियो को देख लीजिएगा। तो हमको ये देखना, जैसे हम बोले कि मेरे आने के पहले रोगी मर चुका था, क्या हो चुका था मर चुका था, तो हम क्या बोलेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, डॉक्टर को रखिए, मेरे आने के नहीं पहले डॉक्टर को रखिए, मतलब डॉक्टर के आने के पहले रोगी क्या हो चुका था मर चुका था। तो द पेशेंट हैड डाइड, रोगी क्या हो चुका था मर चुका था, ये एक्शन क्या हुआ पहले, डॉक्टर बेचारा बाद में आया लेकिन मरने का काम क्या हो गया पहले हो गया। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, क्या हो जाएगा द डॉक्टर क्या हो जाएगा कैम, मेरे आने के पहले रोगी क्या हो चुके थे, मतलब डॉक्टर के आने के पहले, सॉरी हम डॉक्टर थोड़ी हैं ठीक, मेरे मतलब सॉरी फिर डॉक्टर के आने के पहले क्या रोगी मर चुके थे। तो यहाँ पे देखिए गौर से कि ये एक्शन क्या हुआ था पहले हुआ था, और जब ये पहले हुआ था तो हम इसको किस में बनाएं, पास्ट परफेक्ट में, इसको हम किस में बनाएं पास्ट परफेक्ट में बनाएं, इसको हम पास्ट परफेक्ट में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस द डॉक्टर क्या मानी है ना, तो ये किस में बना पास्ट इंडेफिनिट, दैट मीन्स क्या सिंपल पास्ट, किस में बना सिंपल पास्ट, समझ में आया। यही दो कंडीशन है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और कोई तीसरा कंडीशन आता ही नहीं है। अब इसमें देखिए आपको कैसे घुमाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पे है खाली कर दिया, यहाँ पे भी क्या कर दिया खाली कर दिया ठीक, और कहेगा अब इसको बनाइए। तो अब आपको पकड़ना है क्या कि एक सेंटेंस यदि हमारा किस में है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, गौर से समझिएगा, हम प्रेजेंट में भी बताए थे एक टेंस हमारा किस में है पास्ट इंडेफिनिट में, तो दूसरा टेंस हमारा किस में होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में। और कायदे से यहाँ पे किसका यूज तब हम करेंगे, कायदे से यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका हैड का, समझ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे हैड का, बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कि दो टेंस दिया हुआ, एक तो इधर पास्ट इंडेफिनिट है और इधर क्या है पास्ट परफेक्ट। तो हमको ये देखना है कि यदि इधर पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो इधर हम क्या बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, और यदि इधर पास्ट परफेक्ट दिया और इधर भरने के लिए दिया जा रहा है तो इधर हम किस में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, समझ में आया। आप लोग नीचे कमेंट कीजिए ना, हम देख रहे हैं आपको क्या लगता है, आपका हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट करवे ही नहीं करते हैं आप लोग, बहुत कम कमेंट करते हैं इसीलिए मूड खराब होने लगता है ठीक, कमेंट किया कीजिए उससे एनर्जी मिलती है, लाइक तो जरूर कर दिया कीजिए उससे भी एनर्जी मिलती है। खैर चलिए अब ये चीज़ समझ में आ गया, अब आप लोग फटाफट तेजी में इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं किसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, कुछ नहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम आपको पहले भी बता चुके हैं यूज ऑफ सिंस और फोर का, उसी से रिलेटेड ये हमारा क्या होगा टॉपिक होगा, यूज ऑफ क्या सिंस और किसका हम फोर का यूज पढ़ा दिए हैं। और आप टेंशन नहीं लीजिए, हम पूरा आपका ग्रामर क्या करवा देंगे कम्प्लीट करवा देंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का ओके। अब हेडिंग आप लोग क्या दीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, होने दो होने दो। अब इसमें कुछ नहीं रखना है, इसमें दिमाग में रखना है सिर्फ केवल क्या स्ट्रक्चर, और इन्हीं के बेस पे आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, और इनके यूजेज हैं भी नहीं। हम आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट दो में सबसे ज़्यादा यूजेज होते हैं ठीक। यदि हम बात करें पॉजिटिव की, उसके बाद हम बात कर ले किसकी नेगेटिव की, अब उसके बाद हम कर ले बात किसका यस या नो का, और उसके बाद हम कर ले बात किसका डब्ल्यू एच का ओके। तो चलिए हम चारों स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड, अभी जस्ट बताए थे कॉमन होगा बीन प्लस क्या, और लास्ट में हम आपको ट्रिक बताएंगे टेंस पकड़ने का ठीक, जिससे आपको वॉइस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम, इसको भी फोर मत पढ़िएगा ओके, गलत पढ़ना होता है भी फोर, आपको यदि कोई पढ़ाए होंगे तो वो गलत है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि हम कितनी बार पढ़ाते हैं आपको, इसको आप क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर, तो फिर इसको आप क्या बोलते हैं भी टू क्यों बोलते हैं, हाँ गलत बात है ठीक।
आप इसको भी स्क्वायर पढ़िए, तो इसलिए इसको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़िए, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओहो, एक चीज़ और मिसिंग किए थे आप लोग, नहीं याद दिलाएं। ऑब्जेक्ट के बाद हमें रखना है फोर या क्या, सिंस प्लस क्या कम्प्लीमेंट, क्या फोर या सिंस प्लस क्या कम्प्लीमेंट। थोड़ा इस इधर हम बढ़ जाएंगे अब, ठीक, दिक्कत हो गया, इधर बढ़ना पड़ेगा, बोर्ड लगता है कि अब ये खराब हो रहा। खैर चलिए, यहाँ पर आइए। निगेटिव की यदि हम बात करें तो निगेटिव हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन, हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस कम्प्लीमेंट। ठीक, यस नो में भी हमारा सेम उसी तरह से हो जाएगा, यस या नो में सबसे पहले किसको रखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट का यूज करेंगे, ठीक, नहीं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, सॉरी वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं, उसके बाद क्या बीन ना, बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस क्या कम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्या नोट ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद यदि हम बात करें डब्ल्यू एच का, तो डब्ल्यू एच में सबसे पहले हम क्या रख देंगे, क्वेश्चन वर्ड को, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन है तो बीन, सॉरी बीन होगा क्योंकि नोट है तो नोट, प्लस फोर्थ फॉर्म फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस क्या कम्प्लीमेंट। इसमें कुछ नहीं है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ओके, इसमें कुछ इसलिए नहीं है कि आप इसको दिमाग में रखें और कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप फंसिएगा कहाँ पे, सिंपली समझिए। अधि 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 एक क्वेश्चन आप लोग पहले इनका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तो तब हम आपको बताने वाले हैं, नहीं तो यहीं पे एक क्वेश्चन पिक करते हैं। हम लिखे आई डैश बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक, एक सेंटेंस है। अब हम यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन से आप लोग समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ ऑप्शन में हम दे दिए फिर एम, हम फिर बी में दे दिए, बी में दे दिए सेल, ठीक ठीक, उसके बाद सी में हम दे दिए हैड, और डी में हम दे दिए वॉज, क्या दे दिए हम वॉज। अब देखिए गौर से, ठीक, ये एक ऑप्शन हुआ, एक ये हो गया इस तरह से क्वेश्चन। दूसरा हम ऑप्शन दे रहे हैं उसी में, ए में हम दे रहे हैं एम, बी में सेम देंगे सेल, और सी में फिर हम करेंगे चेंज, यहाँ पे कर देंगे हैव, और डी में हम कर देंगे क्या वाज। यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास, कितने ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन, कुछ नहीं है, आप स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए, सारा काम हो जाएगा, ठीक। ये बार बार यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ठीक, समझ गए। चलिए ठीक, अब समझिए, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा। मतलब कि यदि ऑप्शन ये आया तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा हैड, और यदि ऑप्शन ये आया तो इसमें हो जाएगा क्या हैव। मतलब कि जो यदि हैड आ गया तो हैड का यूज करेंगे, यदि हैव आ गया तो हैव का यूज करेंगे। यानी अब सवाल आ रहा होगा सर दोनों आ गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा, गधा थोड़ी बैठा है वहाँ, उस तरह से बनाएंगे, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सिंस फोर की यदि हम बात करें तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं इनडेफिनिट टाइम के लिए हम फोर का, मतलब कि जो अनिश्चित समय होते हैं उसके लिए हम फोर का यूज करते हैं, और जो डिफिनिट टाइम है निश्चित समय है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ऑलरेडी आप लोग को हम बता चुके हैं। तो आप लोग नीचे जरूर कॉमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, ओके। सो तब तक के लिए टेक केयर।